जानिए एक युवक ने क्यों कहा इंडिया टुडे पढ़ो रामायण पढ़कर क्या होगा। ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे, तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नवदंपति जोड़े में से उस नवयुवक ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा आप इन सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा। अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान देती हैं, उनको पढ़ो। तभी अचानक ट्रेन आ गई, युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था पर उसकी पत्नी नीचे रह गई, ट्रेन में चढ़ नहीं सकी। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुमने इंडिया टुडे अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम जी ने वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते, तो आज ये वाक्य तुम्हारे साथ नहीं होता। अतः इस लेख का तात्पर्य यह है कि आधुनिक ज्ञान हमारे भौतिक सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म और हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए जो बात हमें हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाता है वो आज की पुस्तकों में नहीं है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम।